पिंडर के स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित सीएचसी के विवादित जमीन पर बन रहे गौरव पथ भूमाफियाओं ने काम रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन नगरवासियों, नगरपालिका एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो गया। शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे सीएचसी के सामने सड़क का कार्य शुरू हुआ, जिनकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा काम रुकवाने का प्रयास किया, जिसकी खबर फैलते ही सैकड़ों नगरवासी, नगरपालिका अध्यक्ष हेमंत साहू, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शक्तावत, नगरपालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष एवं पार्षद एजाज शेख, पार्षद नारायण व्यास, गौरव जैन, राजेंद्र वेणावत, नेता प्रतिपक्ष श्याम सुंदर साहू मौके पर पहुंचे और काम पूरा होने पर अड़ गए। मौके पर थानाधिकारी मान सिंह चौहान पहुंचे और बताया कि जमीन पर धारा 145 लागू है और न्यायालय ने जमीन पर भिंडर थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया हुआ है। थानाधिकारी मान सिंह ने कहा कि यदि ऐसे निर्माण कार्य हुआ तो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर मुकदमा दर्ज करना होगा, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षदों और कस्बे वासियों ने जेल जाना मंजूर कर लिया और काम जारी रखा, जिसके बाद भी काफी देर तक थानाधिकारी ने समझाइश की लेकिन काम नहीं बंद किया गया तथा मौके पर 3 JCB तथा अन्य कई संसाधन लगाकर हाथों हाथ सफाई कार्य करवाकर सड़क का निर्माण करवाया गया। इस दौरान थानाधिकारी ने मौके पर जमीन के मालिक मनोज दक को बुलाया, जिसकी नगरपालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी सहित कई लोगों से बहस हो गई, जिसके बाद मौके से मनोज दक रवाना हो गया। पूरी सड़क निर्माण के दौरान तक पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद समेत सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। मौजूदा बिंडर में जो सड़क गौरव पथ का निर्माण हो रहा है उसके तहत जो विवाद हुआ है हॉस्पिटल के सामने वाली जमीन में, मेरे चेयरमैन रहते हुए हम लोगों ने सिर्फ बाउंड्री वॉल बनाने की 3 फीट की परमिशन दी थी, उसमें करीब 17-18 शर्तें हमने रखी थी। हर शर्त ऐसी थी जिसमें अगर राज्य सरकार के किसी भी नियम का उल्लंघन हो तो वह शर्त जो स्वीकृति अपने आप निरस्त हो जाए, और उस शर्त में क्लियर कट लिखा होता है कि आप बाउंड्री, आप रोड सेंटर से जितने नियम अनुसार PWD के जो नियम हैं उसके अनुसार छोड़ते हुए आपको बाउंड्री वॉल बनानी। उन्होंने बाउंड्री वॉल बिल्कुल लगते हुए बनाई थी और उसके बाद निरस्त हो गई वो परमिशन। इसलिए जहाँ तक मेरे को ध्यान है, शहरी क्षेत्र में या जो हाईवे की श्रेणी में या सब हाईवे की श्रेणी में आता है तो रोड सेंटर से 40 फीट छोड़ते हुए कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो अब ये गौरव पथ बन रहा है और जनता के हित में बन रहा है तो 40 फीट जगह लेने का हक है जनता का। शहर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से शाम को होते ही शहर के प्रत्येक गली मोहल्ले और कॉलोनियों में डांडियों की खनक शुरू हो जाती है, जो देर रात्रि तक रहती है। शहर में विभिन्न